वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माचो शहाब फ्रॉम वी जेड लर्निंग चैनल। एंड आज के लेक्चर में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पे एक ज़रा बड़ी एग्जांपल करेंगे। और ये जो एग्जांपल है ये अक्सर आप लोगों को इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, डिफरेंट वेबसाइट्स पर रिलेटेड टू मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक शो की जाती है। ओके, सो आज आपको वो फुल डिटेल में बताता हूँ कि कैसे मल्टी थ्रेडिंग जो है वो यहाँ पे एक्चुअली में काम करती है, पैरेलल में सारी थ्रेड्स रन होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दोनों मेथड्स आपको बता दिए गए हैं, यूजिंग थ्रेड क्लास, यूजिंग इंटरफेस। लास्ट टू लेक्चर्स आप चेक कर लें तो आपकी चॉइस, आप जैसे भी करना चाहें। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक क्लास ए, और ये उसकी बॉडी हो गई। एक बना लेता हूँ मैं क्लास बी, और ये उसकी बॉडी हो गई। ठीक हो गया, दो क्लासेस हैं। क्लास ए जो है वो कहती है मैं थ्रेडिंग का काम करना चाह रही, मुझे रन मेथड चाहिए। सो हम कहते हैं ओके, तुम एक्सटेंड्स कर लो थ्रेड क्लास को। ठीक है, जो पहला मेथड था जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ओके, सो जैसे इसने एक्सटेंड्स किया थ्रेड क्लास को, इसको रन मेथड मिल जाएगा और वो अपना कोड इसमें कर सकता है। सो कर लेते हैं पब्लिक वॉइड एंड रन। सो मैं यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, थ्रेड वन। ठीक है, सो क्लास ए वाली थ्रेड चल रही है, या चलें लिख लेते हैं क्लास ए थ्रेड। सो ये मैसेज लिख लेते हैं, क्लास ए वाली थ्रेड जो है वो चल रही है। क्लास बी भी एक क्लास है तो वो कहता है मैं भी करना चाहता हूँ थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग। सो वो भी किसको एक्सटेंड करेगा, थ्रेड क्लास को। ठीक है जी, इसको भी रन मेथड मिल जाएगा, बस ऊपर से कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। ओके, सो ये आ गया थ्रेड क्लास, और यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग कर लेंगे कि ये क्लास बी वाली थ्रेड रन हो रही है। ठीक हो गया, अब मैं आता हूँ नीचे। एक जो हमारे पास यहाँ पे मेन क्लास है, दिस वन, जिसके अंदर मेन मेथड है, उधर आके इनके ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। सो मैं आता हूँ यहाँ पे, कहता हूँ कि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है ए क्लास का, ओबीजे न्यू ए। मैं बना लेता हूँ बी क्लास का, ओबीजे ओबीजे और न्यू बी। दोनों क्लास के मैंने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, और दोनों क्लास के जो थ्रेड्स को स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास मेथड है वो कॉल कर लेता हूँ। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया ओके स्टार्ट मेथड। तो इससे क्या होगा, इन दोनों स्टेटमेंट से आपकी जो थ्रेड्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, दोनों थ्रेड्स क्रिएट हो जाएंगी, रन नहीं हो रही, क्रिएट हो रही हैं। और ये जो आपने स्टार्ट किए हैं, दोनों मेथड्स यूज़ किए हैं स्टार्ट, उससे आपकी थ्रेड्स जो हैं वो चलने भी लगेंगी, रन हो जाएंगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि इनसे पहले कौन सी रन होगी। अब ज़रा सुने इस पॉइंट को गौर से, मल्टी थ्रेडिंग जो है, जब आप लोग डिफरेंट थ्रेड्स बनाते हैं तो उसका मतलब आपको पता है कि क्या है। इसका मतलब है कि अब प्रोसेसर सारे के सारे पोर्शंस को पैरेलल में एग्जीक्यूट करने वाला है। ठीक है, लेट सपोज ये आपकी थ्रेड वन है, ये आपकी थ्रेड टू है, ये आपकी थ्रेड थ्री है, एंड बहुत सी थ्रेड्स हैं। अब कंप्यूटर्स को पैरेलल में एग्जीक्यूट करेगा, साथ साथ चलाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि पहले चलेगी कौन सी, साथ साथ तो चल रही है, पहले क्या ये वाली चलेगी या ये वाली चलेगी, या साथ साथ का मतलब क्या है। एक्चुअली में बहुत तेज़ी से ये शफलिंग कर रहा होता है, इस तरीके से zigzag फैशन में, उसके पास जा रहा है T1 के पास, उसको चला रहा है T1 2 के पास जा रहा है, उसको चला रहा है T3 के पास जा रहा है। एक्चुअली में एक शेड्यूलर होता है, जो जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा उनको पता होगा कि प्रोसेस शेड्यूलर हो गया, या थ्रेड्स को शेड्यूल किया जाता है, टाइम दिया जाता है, एक स्लाइस दिया जाता है, एक पोर्शन दिया जाता है टाइम का, और उसकी बेस पर वो चलती हैं। ठीक है, थोड़ी सी चली और लेट सपोज का टाइम ख़त्म हुआ, तो ये वापस जाके अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगी, फिर दूसरी वाली थोड़ी सी चलेगी, फिर वो चलने के बाद अपनी जगह पे जाके प्लेस हो जाएगी, फिर उसके साथ तीसरी वाली चल रही है, एंड सो ऑन। फिर बाकी ये असल में zigzag फैशन में चलती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा T1 चलेगी पहले या हमेशा T2 चलेगी, ये कोई भी चल सकती है जिस तरह शेड्यूल किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किधर गया हमारा कोड, ये सही है। सो अभी मैं, हो सकता है पहले इसको गेट कर लूँ, हो सकता है पहले मैं इसको गेट कर लूँ, हो सकता है मैं पहले इसको गेट कर लूँ फिर इसको कर लूँ, ये कुछ भी हो सकता है, प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। सो प्ले, अभी आ रहा है क्लास ए थ्रेड, फिर क्लास बी थ्रेड, फिर दोबारा प्ले करते हैं, फिर दोबारा प्ले करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं डिफरेंट जब प्ले करता जा रहा हूँ, तो अभी तो ए बी ही चल रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा होगा कुछ कि आपकी बी थ्रेड पहले चल जाए, माउस ही ना ख़राब हो जाए। हाँ देखें, एक जगह पर बी पहले चली है, अगर आपने यहाँ पर कहीं गौर किया हो ना, अब देखते हैं। अच्छा, पहले कहीं ना कहीं ये बी थ्रेड जो है वो पहले चल गई है, देखें बी थ्रेड पहले चल गई है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि थ्रेड के ऊपर ये मत सोचें कि ये हमेशा ये पहली वाली जो है वही चलेगी दूसरी वाली, नो, ये प्रोसेसर की मर्ज़ी है। बस जिस टाइम वो यही आपका JVM जो है वो शेड्यूल कर रहा होता है इन चीज़ों को, बस उसको जो जिसको प्रोसेसर पहले मिल जाए बस वो उसको दे देगा, उसको चला देगा।
तो अभी आपको शायद कुछ ज़्यादा बेटर आउटपुट ना नज़र आया हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे कोड को लूप में पुट कर देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि कौन सा लूप पहले चल रहा है, कौन सा लूप ज़्यादा चल रहा है। देखें, अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं, इसी रन के अंदर आता हूँ और इसे कहता हूँ एक लूप लगा लो, इंट आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और ये हमारा कोड है और इसको हम पुट करना चाह रहे हैं सारे कोड को फॉर लूप के अंदर। ये सारा कोड मैंने फॉर लूप की बॉडी के अंदर पुट कर दिया। अच्छा, यानी अब ये स्टेटमेंट एक दफ़ा नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट 10 दफ़ा चलेगी। ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, फॉर इंट आई एक, चले इसको जे कर लेते हैं, जे इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे इसको हमने क्लोज़ कर दिया। अब ये एक ही स्टेटमेंट है लेकिन ये लूप के अंदर है, तो ये अब आपको मल्टीपल टाइम चलती हुई नज़र आएंगी। अब देखें होता होता क्या है, क्योंकि तो अब एक दफ़ा नहीं 10 10 दफ़ा चलेंगी, तो जिसको प्रोसेसर पहले मिल जाएगा वो चल पड़ेगी, फिर ये कोई टाइम मैनेजमेंट कर रहा होता है, फिर वो आपकी पहले हो सकता है 5 दफ़ा इसको चला ले, 1 दफ़ा इसको चला ले, हो सकता है 2 दफ़ा इसको चला ले, 3 दफ़ा इसको चला ले, मिक्स कुछ आउटपुट आने वाला है। देखें, अच्छा यहाँ पे चली है पहले क्लास बी थ्रेड, बी 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 बी, फिर ए, ठीक है पहले बी वाली चल गई है, फिर प्ले करते हैं। अब देखें ए वाली चल गई है, और ए वाली भी सारी नहीं चली है, देखें थोड़ी सी चली है, फिर बी वाली चली है, फिर ए वाली चली है, तो ये असल में साथ साथ चल रहा है, सब कुछ पैरेलल में चल रहा है, इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ये जितना भी आप प्ले करेंगे ना, ये आपको कोई नए नए आउटपुट आएंगे। देखें, अब देखें वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा ए चला है, फिर बी कितनी दफ़ा चला है, फिर ए, असल में ये बेस्ड ऑन टाइम स्लाइस होता है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में वो शेड्यूलिंग टॉपिक पढ़ लें तो उसमें आपको समझ आएगी कि कैसे आपके जो थ्रेड्स हैं वो क्यू में प्लेस किए जाते हैं, और कैसे उनको प्रोसेसर दिया जाता है, और एक टाइम की बेस पर वो चलते हैं। अगर वो टाइम फिनिश हो जाता है तो वो फिनिश स्टेट में चले जाते हैं, डेड स्टेट में, और अगर टाइम फिनिश हो गया और आपकी थ्रेड अभी भी रहती है तो वो फिर से जाते हैं दूसरी स्टेट में, वेट करते हैं, एंड सो ऑन। वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसको हम लोगों ने ये देखा कि हमारे जो थ्रेड्स हैं वो किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में आपका ऑपरेट ये जो कंप्यूटर है वो इसको रन कर सकता है, क्योंकि ये सारे पैरेलल में चल रहे हैं, तो हर बार आपको तकरीबन आंसर जो हैं वो अलग अलग जनरेट होके मिल रहे हैं। सो ये ज़रा ज़्यादा बेटर एग्जांपल है जिसमें हमें आइडिया हो रहा है कि थ्रेड्स जो हैं वो कैसे पैरेलल में साथ साथ चलती हैं। ओके, अब नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है, अगर आप उसमें लूप लगा रहे हैं तो पहले ये पूरे का पूरा फिनिश होगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला लूप फिनिश होगा। ये नहीं कि वो दोनों साथ साथ चल रहे हों, ये साथ साथ चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये थ्रेड का टॉपिक है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल थी, इसको देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, शेयर करें मेरे साथ। थैंक यू।